आजादी के 74 साल जश्न बेमिसाल, करिया करिया नगर नगर सब सिलाली परचमों की बहार, बच्चे बड़े सब खुशी से सरशार, खैबर से मेहरान, बोलान से बल्तिस्तान, सबकी एक ही दुआ, सदा सलामत रहे पाकिस्तान। ये है आम जिंदगी। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये है मेंटोस जिंदगी। बेटा क्यों बजा रहे हो बाजा? रुको रुको भाई, जरा सबर करो। A few moments later। दोबारा भाई थोड़ा जल्दी में, डॉक्टर ने बोला है, डॉक्टर ने बोला जल्दी करो। क्या खाया तूने? किसने बोला था? बजा रहा था तेरी। बजा, दोबारा कर। म्यूजिक। भाई इन तो शुरू होते खत्म हो गया यार। मस्ती का कोटा भर गया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो घर गया। तू भी चल बोले अकल, पर ये दिल ना माने, ये दिल मांगे मो। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ये 14 अगस्त की हुआ थी शाम तले एल्बम लगाई है, तांदो ये पता ही नहीं की हुआ थी। नहीं जी 14 अगस्त नहीं जी, 14 अगस्त अनपढ़ बंदे शाम तो पता नहीं। अबे साले बड़ी जश्न दादी मना रहे। हाँ ये दसो ना, आज होया की सी? कुछ नहीं। कौन है ये लोग इतने बेगैरत हो? आज जश्न दादी मना रहे, किस वजह तो मना रहे? पाकिस्तान की वजह से। क्या पाकिस्तान की वजह? खुशी। किस चीज की खुशी? 14 अगस्त की। 14 अगस्त को क्या हुआ था? कैद आजम पैदा हुए थे। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। 14 अगस्त ले जाए इंडिया और पाकिस्तान वखरे हो गए। पाकिस्तान तो। अच्छा, सऊदी अरब वाले कितने नाल 14 अगस्त मनाने? इंडिया ना। सऊदी अरब वाले? नहीं नहीं, इंडिया ना। ओ भाई मारो, मुझे मारो, मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मुझे बताओ पाकिस्तान का कैपिटल क्या है? 14 अगस्त 1947। पाकिस्तान का कैपिटल क्या है? पी। कैपिटल इस्लामाबाद है, कराची है। कराची है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ और देश को संभालो। अगर आपको एक दिन के लिए इमरान खान की जगह बिठा दिया जाए तो सबसे पहले क्या काम करोगे? मैं कुछ खास नहीं, बस अपने पसंद की बच्ची सेट करूंगा और तो कुछ नहीं करना। पाकिस्तान कब बना था? पाकिस्तान 1900। अब बता दो। तू एक काम कर, तू मुझे फोन कर, ये मेरा सैमसंग का नंबर है, मुझे 4 बजे फोन कर। आपस में क्या लगते थे? बहन भाई। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। पाकिस्तान का कौमी परचम है, ये किसने बनाया है? ये दो दर्जी ने बनाया, एक ने सफेद बनाया, दूसरे ने वो सबस कलर वाला बनाया। तू सब तो बड़ा जलील है कायनात। कायदे आजम और इलामा इकबाल आपस में क्या लगते थे? आपस में ही चाचा मामा थे, कुछ ऐसे ही थे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, ये हुई ना बात। 14 अगस्त को क्या हुआ था? 14 अगस्त दिन शरीफ जेल से हुआ। पाकिस्तान के सबसे पहले वजीर आजम कौन से थे? सबसे पहले वजीर आजम भी इमरान खान था और आखिरी भी इमरान खान होगा। पाकिस्तान का कौमी तराना कौन सी जबान में है? इंग्लिश में। पाकिस्तान का कौमी तराना लिखा किसने है? कौमी तराना मुशर्रफ ने लिखा है जी। आप मुझे बताएं इलामा इकबाल और कायदे आजम आपस में क्या लगते थे? ये भाई थे ना आपस में।
जी जी। आप मुझे ये बताएं, जो पाकिस्तान बनाने का जो ख्वाब है, सबसे पहले किसने देखा है? ये नवाज शरीफ ने देखा है। पाकिस्तान के सबसे पहले वज़ीर आज़म कौन से थे? ये परवेज़ मुशर्रफ थे मेरे ख्याल। परवेज़ मुशर्रफ थे। पाकिस्तान का कौमी जो परचम है, झंडा है, वो किसने बनाया है? वो तो पिछले अभी 2-3 साल हुए इमरान खान ने बनाया था। पाकिस्तान का कौमी तराना कौन सी ज़बान में? अरबी में। पाकिस्तान का कौमी परचम किसने बनाया है? ये मेरा ख्याल से ये ट्रंप ने बनाया था। ट्रंप ने बनाया था पाकिस्तान का कौमी परचम। कायदे आज़म और अल्लामा इक़बाल आपस में क्या लगते थे? बहन भाई है मेरा। 14 अगस्त को क्या हुआ था? कायदे आज़म पैदा हुआ था। 14 अगस्त को कायदे आज़म पैदा हुआ था। पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा है? मेरा ख्याल से परवेज मुशर्रफ ने लिखा है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ़ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी जाता था। 14 अगस्त को क्या हुआ था? 14 अगस्त शरीफ जेल से हुआ। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे हैं। आपको कैसी लड़की चाहिए? बस भाई सांस आनी चाहिए उसकी, जिंदा हो, यही बहुत है हमारे लिए। और चल पाकिस्तान जिंदाबाद का एक नारा लगाओ। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आजाद हुआ था 1947 को, तो उस वक्त इलामा इकबाल क्या कर रहे थे? आजादी मना रहे थे अपने पाकिस्तान। इलामा इकबाल फौज सी। कोई समझा ना इसको। इलामा इकबाल थे कौन? इलामा इकबाल इंसान है। इंसान है? मुसलमान है। कौन है? अच्छा मुसलमान है। बड़ों से तो यही सुना है कि माम सन। अबू तो साला येड़ा है, फिर भी क्लियर दिखता है कि गलत हो रहा है। तुम समझदारों को ये बात समझ में नहीं आती क्या? पाकिस्तान आजाद है। पाकिस्तान आजाद हुआ था जी, माशाल्लाह जी। किससे आजाद हुआ था जी? कायदे आज़म। कायदे आज़म से आजाद हुआ था। लेकिन चल अपन को अंदर नहीं रहने का, अपन को इन समझदार लोगों के बीच में। अरे तू जा रही। देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, तमाम लाइक और शेयर ठोक दीजिए। कोई तरीका है भीख मांगने का?